तो पहले बताना चाहिए भैया, बोलो नहीं 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 हर जगह बताते हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा थोड़ी ना होता है, हर जगह तो इंक्लूड रहता है। नहीं उसको इंक्लूड नहीं है, आपको जब खुद आप खुद एग्री कर रहे हैं कि मुझे पता है टैक्सेस का। हाँ तो हम लोग का ये पता है कि हम लोग और जगह भी रुके हैं, वहाँ इसमें इंक्लूड रहता है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और आज हम लोग का रिटर्निंग डेट, आज जाना है जबलपुर से वापस और सब रेडी हो रहे हैं और पूरा रूम बिखरा पड़ा है, दिखा रहा हूँ ये देखिए। और इधर भाई लोग सब टावल लपेट के बैठे हैं और एक बरस कर रहा है और सेठ जी जा रहे हैं नाश्ता लेने के लिए। सेठ जी है गाइस, जा रहे हैं नाश्ता लेने क्योंकि नाश्ता करेंगे फिर रूम भी आज खाली करना है और उसके बाद निकल जाएंगे हम लोग मार्केट की ओर। मार्केट से कुछ सामान लेकर ट्रांसपोर्टिंग भी कराना है। और ठीक है पहले चलते हैं नाश्ता लेने के लिए। अभी हम लोग आ गए हैं नीचे और ले रहे हैं पोहा, आंटी पैक कर रही हैं, कल भी लेके गए थे काफ़ी अच्छा लगा था पोहा। ये आंटी चाय भी है क्या? तो ठीक है पोहा पैक कर दीजिए पहले। फाइनली ले आए हैं एक चाट मिक्सचर, इसमें प्याज और इसमें पोहा। और चलो रूम चलते हैं, रूम में खाएंगे फिर रेडी हो जाएंगे जल्दी से और निकल लेंगे अपने काम के लिए। तो गाइस फाइनली हम लोग जा रहे हैं, चेकआउट कर दिए हैं रूम का, ताला नहीं मारना और होटल का क्या है ताला मारना है, मार लेंगे हम लोग। चलो ना आप सबको ही लगता तो पहले बताना चाहिए भैया, बोलो नहीं 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 हर जगह बताते हैं, माइक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। हाँ ठीक है, जब आप खुद एग्री हो रहे हो तो मुझे पता है टैक्सेस। नहीं तो पहले बताते हैं टैक्स के बारे में। ये पता है कि आपने 350 में आपने टैक्स जोड़ के अपन को रेंट दिया है, इंक्लूड नहीं रहता ना, ऐसा थोड़ी ना होता है, हर जगह तो इंक्लूड रहता है। नहीं उसको इंक्लूड नहीं है, आपको जब खुद आप खुद एग्री कर रहे हो कि मुझे पता है टैक्सेस का। हाँ तो हम लोग का ये पता है कि हम लोग और जगह भी रुके हैं, वहाँ इसमें इंक्लूड रहता है। मालिक कितना टाइम आएंगे? पता है इसीलिए पहले ले लिए जबरदस्ती का। हर जगह पहले बता देते हैं, वो तो सबको लगा है, ये सबको पहले ही रोज रहता है रूम रेट से। आप रजिस्टर पर जाकर देख लो किसी के फोन नहीं है, 500 का रूम है तो 700 जरूर जगह है। गाइस थोड़ा भी बहुत कचर कचर हुआ, थोड़ा सा दिक्कत किया होटल वाला, एक तो सर्विस अच्छे से नहीं दिया और ऊपर से ये देखिए ये पंकज होटल, इसमें आइएगा मत कभी, पंकज होटल जबलपुर पंकज पैलेस, क्योंकि ज़बरदस्ती का लूट कर रहे थे, यानी कि पहले तो GST बताए नहीं और रूम भी दे दिए। और जब हम लोग का क्या हुआ, जब एक दिन हो गया, हम लोग पहले दिए 2,000 और 1,350 का रेंट था और जस्ट एक दिन और रुके तब भी बोले कि हम लोग को चाहिए 1,500 और चाहिए, क्योंकि उन लोग को लेना था पैसा, GST का काटना था। और जब हम लोगों ने चेकआउट किया तो काउंटर पर गए और बोला गया कि आपको पैसा मिल जाएगा लेकिन एक्स्ट्रा पैसा 250-270 काट दे रहे थे, बोला कि ये GST है। तो हम लोग फिर थोड़ा बात किए बहुत ही ज़्यादा और होटल के ऑनर से भी बात किए तो अंकल बोले ठीक है ले लो, लूट है बहुत ही लूट है इस होटल में। तो गाइस जब भी जबलपुर आते हैं आप तो इस होटल में ना रुकें और रूम लें और रूम रेंट का बढ़िया से बात कर लें। हम लोगों ने थोड़ा टाइट बात किया तो हम लोग को वापस कर दिए, पैसा रिटर्न हो गया, वापस हो गया पैसा। ठीक है थोड़ा यहाँ को होटल सर्विस ठीक नहीं है गाइस, आप होटल लेते हैं तो ध्यान दे कर लें और पूरा बात कर लें जो भी करना है। तो ठीक है हम लोग ने तो अपना पैसा वापस ले लिया और भैया पूरा बात किए, मालिक से बात करना पड़ गया। होटल के बारे में बताइए कैसा लगा? देखिए यहाँ की सर्विस तो बहुत ही गंदी है, ठीक है, और यहाँ पर जो रूम रेंट बताया जाता है स्टार्टिंग सही नहीं बताया जाता, वो सही नहीं बताया जाता है, प्लस बाद में GST ऐड किया जाता है इन लोगों का, ये लूटने का एक तरीका है और कुछ नहीं। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग पहुँच चुके हैं टेंट मॉल और ये रहा ऑटो, ऑटो में आए हैं, ऑटो वाला दिया हम लोग को लेके आए हैं, ये देखिए सचिन टेंट एजेंसी, हम लोग का सामान लोड हो चुका है, 4 बोरी एक उधर आ रहा है और भैया लेके आ रहे हैं लोड करेंगे और इस पिकअप में जाएगा, छोटा गाड़ी में पिकअप नहीं है और
रही है, लोड हो चुका। अभी हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं और यहाँ है गेट नंबर 3 और यहीं से हम लोग को अपना सामान ट्रांसपोर्ट कराना है। ये देखिए गाड़ी लग चुका है अंदर और अभी 1 बजे हम लोग का ट्रेन। ये देखिए पूरा ट्रांसपोर्ट होता है इधर, बिल्टी कटा लेते हैं पहले, इधर कुली काम कर रहे हैं सारे और इसमें हम लोग का सामान। ये देखिए यहाँ सामान खाली किया जा रहा है और इधर पूरा ट्रेन लगा हुआ है ट्रांसपोर्टिंग के लिए और ये बाइक होगा ट्रांसपोर्टिंग। काफ़ी सेफ्टी के साथ पैकिंग है इधर पूरा और ये भी बाइक है। ये देखिए बाइक ही बाइक और ट्रेन लगा है, इसमें लोड होगा सामान जितना भी है। तो ठीक है गाइस, कराते हैं अपना जो सामान लाए हैं उसको लोड और ट्रांसपोर्ट करा देते हैं, फिर अपने सीट में चले जाएंगे क्योंकि 1 बजे ट्रेन है और अभी 12 बज चुका है। तो ठीक है जल्दी से कराते हैं फिर निकलते हैं अंबिकापुर के लिए। और यहाँ गाइस देखिए सामान तौला जा रहा है, तौल के हिसाब से बिल बनता है वजन के हिसाब से। तो गाइस फाइनली ट्रांसपोर्टिंग का काम कराना था वो तो हो गया और अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 में, वहाँ लगा है जबलपुर एक्सप्रेस, अंबिकापुर एक्सप्रेस, उसी में जा रहे हैं और चलेंगे घर क्योंकि हम लोग का सीट बुक हो चुका है। D8 में है 7-8-9-10। ठीक है चलते हैं और सफ़र करके पहुँचते हैं घर, रात को 12 बजे पहुँचेंगे, 11 बजे का टाइम है, 12 बज जाएगा घर पहुँचते पहुँचते। और यहाँ जबलपुर एक्सप्रेस लगा हुआ है अंबिकापुर एक्सप्रेस, ये रहा गाइस D8 और यहाँ से करते हैं एंट्री और खोजते हैं अपना सीट नंबर, ढूंढते हैं अपना सीट नंबर। ये वाला है, हाँ ये है अपनी सीट और इधर भी है, रख दो बैग। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं शहडोल और दिन भर कुछ खाया नहीं थे, देखिए नाश्ता लिए हैं जैसे पूड़ी और ये आलू बड़ा है और भैया लोग ला रहे हैं खिला रहे हैं सब। कैसे भूख लग रहा है दिन भर, बहुत भूख, आज दिन भर कुछ नहीं खाए हैं, पूरा काम तो किया है, काफ़ी भूख भी लग रहा है और काम भी बहुत ज़्यादा किए हैं आज। ये देखिए इसे सॉस रखा हुआ है ऐसे और मिर्ची आधा खा के, ठीक है खाता हूँ फटाफट। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग बैकौंदपुर पहुंचने वाले हैं और ट्रेन भी खाली हो चुका है और अभी रात के 8:17 बज रहे हैं गाइस और फाइनली घर पहुंचने वाले हैं। जबलपुर ट्रिप हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। जेडी कैसा लगा? ठीक लगा। और ये भी है सनी और ये है डेविड मिलर, दक्षिण अफ्रीका क्रिकेटर। फिर से जाएंगे, फिर टूर में चलेंगे सभी और ट्रेन पूरा नया वीडियो फिर से आएगा आप लोगों के सामने आएगा। तो ठीक है गाइस चलते हैं, यहाँ स्टेशन में उतरना भी है, पहुँचने वाले हैं, 3 घंटा का सफर और बाकी है अभी। अभी पार्किंग है दर्री टोला, अभी दर्री टोला पहुँचे। हाँ ठीक है ट्रेन दिखाता हूँ आपको। ये देखिए पूरा ट्रेन खाली है, बहुत कम ही लोग बैठे हैं। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग पहुँचे नहीं अंबिकापुर, लेकिन पासिंग के लिए ट्रेन रुका हुआ है सिलफिली में, यहाँ से पास पड़ेगा हम लोग जहाँ जाना है, तो निकलते हैं यहाँ से। स्टॉप में नहीं है फिर भी यहाँ से जा रहे हैं हम लोग। अभी हम लोग कमलपुर रेलवे स्टेशन में, यहाँ से अंबिकापुर 10 किलोमीटर है और भाई लोग सब उतर रहे हैं और क्योंकि यहाँ पासिंग देने के लिए रुका हुआ है, इसमें अभी अंबिकापुर एक्सप्रेस जाएगा उसके बाद ही जबलपुर एक्सप्रेस आगे जाएगा और भाई आ रहा है लेने के लिए, तो चलते हैं। सफ़र कैसा लगा बता? काफ़ी अच्छा लगा, ठंडा का एहसास आज नहीं हुआ। नहीं हुआ जो जाने में लगा था। अच्छा तो ठीक है गाइस यहाँ से चलते हैं घर और आराम आराम करते हैं और मिलते हैं आगे। बाय बाय गुड नाइट। तो गाइस फाइनली अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और कल हम लोग 11-12 बज गया था सोते सोते, घर भी जाना है अभी। अंबिकापुर के पास रुके हुए हैं सनवाही में दोस्त के यहाँ और उनका घर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए अरे रहा है हम लोग का बिस्तर कम्बल। तो ठीक है गाइस निकलते हैं यहाँ से घर के लिए। तो गाइस अभी हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और सेठ जी के लिए कुछ दवाई लेने गए थे। क्या लेने गए थे सेठ जी? गेहूँ के लिए।
सिलफिली सिलफिली में अभी हम लोग एक घंटा में घर पहुंच जाएंगे। फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूं घर और टूर भी हो चुका है कंप्लीट जबलपुर और अच्छा लगा घूम के और थोड़ा जलाई भी हुआ कहीं कहीं, तो ठीक है जो भी था जैसा भी था मज़ा आया घूमने में। और ठीक है इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।